वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का फोर्थ वीडियो यानी कि पार्ट 4। और आज हम समझेंगे हुक्स लॉ के बारे में। तो हुक्स लॉ को समझने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में नहीं पता तो आप जाके हमारे पिछले तीनों वीडियोज़ देख सकते हैं, उससे आपको हो सकता है हेल्प मिले। हुक्स लॉ, जैसे आप जानते हैं कि ये कोई भी लॉ होते हैं वो फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट के नाम पे होता है, तो ये लॉ भी रॉबर्ट हुक के नाम पे है। रॉबर्ट हुक वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, आप बोल सकते हैं डिराइव किया था। और ये लॉ बोलता क्या है, इफ़ द डीफॉर्मेशन इज स्मॉल, डीफॉर्मेशन यानी कि उस बॉडी में जो आने वाला चेंज है वो बहुत छोटा है, तो द स्ट्रेस इन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, यानी कि जो स्ट्रेस होता है उस बॉडी में लगने वाला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। राइट स्टूडेंट, आज थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा साउंड क्वालिटी के लिए, बिकॉज आज बारिश बहुत हो रही है। और इसको हम समझ सकते हैं, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो आपको पता है किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल करने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट चाहिए होता है, तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे के, तो के इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। अब यहाँ पे के क्या है, के इज नोन एज, के इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट स्टूडेंट्स। सो के क्या है, के इज known as the modulus of elasticity। और या हम इसको ऐसे लिखें अगर, तो ये हो जाएगा K, it means modulus of elasticity is equal to stress by strain। और student यही है Hooke's law। और अलग अलग type के जो stress और strain होते हैं उसकी वजह से अलग अलग जो होते हैं वो modulus होते हैं। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडल के लिए यंग्स मॉड्यूलस, शीयर मॉड्यूलस, और वॉल्यूम के लिए बल्क मॉड्यूलस, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व के बारे में। एक्स एक्सिस में हमने यहाँ पे स्ट्रेन लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने स्ट्रेस लिया हुआ है। ये जो कर्व शो कर रहा है ये एक मेटल पे लगने वाले स्ट्रेन और स्ट्रेस के रिलेशनशिप को शो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ हद तक, कुछ डीफॉर्मिंग फोर्स तक कोई भी जो मेटल है वो एक इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि अपनी शेप को रीगेन करने की कोशिश करता है। फिर उसका एक इलास्टिक लिमिट होता है, राइट, जहाँ पे जो उसका इलास्टिक बिहेवियर होता है वो हाईएस्ट होता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो अपोज नहीं कर पाता है, वो मेटल जो है, मेटल का रॉड अगर आप लेंगे और उस पर उससे ज़्यादा फोर्स लगाने पर वो उसको अपोज नहीं कर पाता। और फिर कुछ और फोर्स के बाद वो क्या हो जाता है, उसका फ्रैक्चर पॉइंट यानी कि वो टूट जाता है। तो इलास्टिक बिहेवियर, तो ये जो है ये पूरी तरीके से स्ट्रेस और स्ट्रेन के बिहेवियर को, उसके रिलेशनशिप को ये जो कर्व है वो शो करता है। और ये एग्ज़ाम में भी आता है स्टूडेंट, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इलास्टिक मॉड्यूलाई के बारे में। ये क्या होता है, या हम इसको बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल। तो ये क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है, और ये डिपेंड करता है किसके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल के पे डिपेंड करता है। अब इलास्टिक मॉड्यूलस थ्री टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने देखा था स्ट्रेस और स्ट्रेन थ्री टाइप्स के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, शेयर और वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वैसे ही इलास्टिक मॉड्यूलस भी थ्री टाइप्स के होते हैं, यंग्स मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस। तो इसके बारे में आइए डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो आइए समझते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूलस के बारे में, और ये है यंग्स मॉड्यूलस स्टूडेंट्स। और इसी से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। यंग्स मॉड्यूलस क्या है, द रेशियो ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय द सिंबल वाई, एंड दिस वाई, कैपिटल वाई, रिप्रेजेंट्स यंग्स मॉड्यूलस।
तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में हमने पढ़ा ही है कि ये होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो। तो यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस बात करता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में। तो रेशियो बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस। और आपको पता है कि यहाँ पे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेस को और कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे स्ट्रेन को। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज़ फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन डेल एल बाय एल। मान के चलिए यहाँ पे दो रॉड्स हैं, यहाँ पे हमारे पास सिलेंड्रिकल रॉड्स हैं, और यहाँ पे फोर्स पुट करने से इसमें एक डिफॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होती है, इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, डेल एल तक बढ़ जाती है। तो इसका जो स्ट्रेन होगा विल बी डेल एल बाय एल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यंग्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू एफ, इट मीन्स फोर्स इंटू द लेंथ ऑफ द रॉड डिवाइडेड बाय ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और डेल एल किसको शो करता है, ये जो इंक्रीज पार्ट ऑफ द रॉड इज कॉल्ड डेल एल। तो आप देख सकते हैं दिस इज एफ एल बाई ए इंटू डेल एल, और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो ये होता है स्टूडेंट्स यंग्स मॉड्यूलस। तो एक बार फिर से बता दूं, यंग्स मॉड्यूलस होता है रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल वाई से, और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बाकी की दो मॉड्यूलस के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्राची फाउंडेशन वीडियो के वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।